में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और सर्विस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर रहा है हमारे कुछ सालों में। 52% जो लोग है वर्क फोर्स जो है फिर भी एग्रीकल्चर में है, पुराना डेटा है। एंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें तो $620 है ड्यूरिंग 2004 में, और एनुअल ग्रोथ जो हमारा है वो 7% का रहा है 2004-05 में। तो इसमें आप नोटिस करेंगे बुक में कि ज़्यादातर डेटा 2005 तक का है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 10-15 साल बाद बहुत चेंजेस आ जाती हैं यहाँ पे, तो सारी कंट्रीज़ का उसी के हिसाब से चेंज हो गई होंगी, बट आप बुक का यहीं से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद इंडिया बहुत ही फिनोमिनल स्टेप ले चुका है या काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है एजुकेशन डेवलपमेंट के सेक्टर में इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद जीडीपी का कुछ जो जीडीपी का जितना पैसा मतलब एजुकेशन पे खर्च होता था वो 1951 में अगर हम बात करें तो 0.64% होता था, जो कि 2000 और 2001 में 4.11% हो गया, ठीक है, 4.11% हो गया 2001 में तक, ठीक है। इंडिया स्पेंड 4.1% जीडीपी ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग 2002, ठीक है, और 40% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन स्टिल रिमेन टू बी मेड। 40% जो लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी वो लिटरेट हैं, ठीक है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें 15+ बच्चों की, तो 61% के अराउंड है 2003 में। और देखिए जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो 32% रहता है 1950 और 51 में, और जो कि 82.5% हो जाता है 2000 में और 3 में, ठीक है। और जो रेट्स हैं ड्रॉप आउट के वो काफ़ी डिक्रीज हो चुके हैं, पहले 64% थे 1960s में, अब वो हमारे हो चुके हैं 40% 2001 तक, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन ये रहा डेटा, देख लीजिएगा एनुअल रिपोर्ट 2005 का ये है, HRD का है। लिटरेसी रेट भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 52% था 1991 में, उससे 64.8% हो चुका है 2001 में। एंड उसके बाद गांव में भी लिटरेसी बढ़ रही है, ठीक है, और फीमेल लिटरेसी भी इंक्रीज़ हुई है, यानी जो महिलाएं हैं वो भी अब प्रशिक्षा की ओर जा रही हैं, तो 14.41 मोर देन मेल लिटरेसी रेट इन 11.17, इवन ज़्यादा ही बढ़ गया है, आदमियों से ज़्यादा महिलाएँ लिटरेट हो रही है, अच्छी बात है जबकि पुराना डेटा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 328.88 मिलियन जो है लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, वो 1991 में अगर हम देखें तो 328.88 मिलियन थे, यानी 328 मिलियन थे 1991 में, और 304 मिलियन हो जाते हैं 2001 में। तो नॉन लिटरेट जो होते हैं, ना पढ़े लिखे लोग, उनकी जो संख्या है वो भी कम होने लगी है, ठीक है। हम 10th 5-year प्लान की बात करें जो 2002 से 2007 में आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लेते हैं कि सबको शिक्षा प्राप्त हो, तो इसको सर्व शिक्षा अभियान बोलते हैं, SSA, और इसमें और भी इन स्कीम इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है कि एलिमेंट्री लेवल पर लड़कियों की शिक्षा किस तरीके से होगी, एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, ठीक है, ये भी लॉन्च किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिस तरीके से आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम जो है ये भी दिया जाता है स्कूल में, टीचर एजुकेशन को स्ट्रेंथन, अब मान लीजिए कि जिसको पढ़ाना है शिक्षक जो है उसको भी तो शिक्षा चाहिए ना, कई बार तो शिक्षक ऐसे होते हैं कि सिंपल उनको स्पेलिंग नहीं आती, तो उनको भी थोड़ा पढ़ा लिखा के थोड़ा ज्ञानी बना दिया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड महिला समाख्या, आई थिंक ये सब शुरू किया जाता है, अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग स्टेप होते हैं कि इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाया जा सके या सारे बच्चों को एटलीस्ट एजुकेशन तक पहुंचाया जाए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन हमारे कंट्री में काफ़ी ग्रोथ करने लगता है, कई सारे प्लान्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए जाते हैं, जो काफ़ी हेल्प करता है हमारे कंट्री में, जैसे कि विमेन का जो एजुकेशन में काफ़ी कम लोड रहता है उसको बढ़ाने में, हायर एजुकेशन तक काफ़ी लोगों को जाने में, और हमारे कंट्रीज का जो अभी का सिस्टम है अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब मालदीव्स का देख लेते हैं, तो मालदीव्स भी टूरिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यहाँ की पूरी इकॉनमी टूरिज़्म पे ही है, और 20% इसकी GDP जो है एंड मोर देन 60% ऑफ मालदीव्स फॉरन एक्सचेंज रिसिप्ट, तो इनकी जो पूरी GDP है वो
बाहर से ही जो पैसे आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज पे ही है। 90% जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी आता है वो इंपोर्ट ड्यूटी से ही आता है और टूरिज्म रिलेटेड, मतलब टूरिज्म से ही इनका 90% टैक्स जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो उधर ही से आता है। फिशिंग यहाँ पे सेकेंड लीडिंग सेक्टर है बिकॉज चारों तरफ से पानी से है। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी रोल प्ले करता है पर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, ये सब चीज़ें भी हम देखने को मिलता है। 18% इनके GDP का हिस्सा यही है। पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो इनकी है वो 2,350 डॉलर थी 2003 में, ठीक है, US डॉलर, बहुत ज़्यादा है वैसे। तो कंट्री जो है वो 3.7% अपने GDP का एजुकेशन में 2000 में यूज़ कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी की रेट की बात करें तो 15 साल प्लस की, मतलब 15 साल से ऊपर के बच्चे की, तो 97% थी 2003 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा भी, मालदीव्स अच्छी कंट्री है, अच्छी बात है कि वहाँ लोग पढ़ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप ऊपर के सारे उसको देखें तो इसने तो काफ़ी, मालदीव्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इवन 2003 में। यहाँ पे 7 ईयर्स का जो है वो प्राइमरी लेवल है और 5 ईयर का सेकेंडरी लेवल है एंड इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। नेट अगर हम इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 92% था प्राइमरी लेवल पे एंड 51% था सेकेंडरी लेवल पे, काफ़ी अच्छा है 2003 में। एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट टू टीचर रेशियो तो 20.0% एट प्राइमरी लेवल एंड 15% एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। 20% होता है टीचर्स प्राइमरी लेवल पे और 15% सेकेंडरी लेवल पे, ये भी काफ़ी अच्छा है। हायर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है मालदीव्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन पे, कॉलेज इस्लामिक स्टडी सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मेनी स्टूडेंट परस्यू हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओवरसीज, यहाँ के बहुत सारे बच्चे बाहर जाकर भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो जो MAB जो है, एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है, वो मैनेज करता है कि नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, जो कि 11 लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन से इंक्लूड करता है, जैसे कि सर्टिफिकेट 1, सर्टिफिकेट 2, 3, ठीक है, बहुत सारा एडवांस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टर्स डिग्री एक्सेट्रा, इस तरीके से यहाँ पे पूरा सिस्टम सेट किया गया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें 2003 ही की बात कर रहा, 2003-05 की, तो करीब 2600 स्टूडेंट थे वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम और इस तरीके के कोर्सेज वहाँ पर ले रहे थे। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल वन ऑफ द पुअरेस्ट, अगेन गरीब इकोनॉमी में से एक है और लीस्ट डेवलप है पूरी दुनिया में। अबाउट 40% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। एग्रीकल्चर है वो इनके इकॉनमी का मेजर है। ओवर 80% जो पॉपुलेशन है इनका भी छोटी है। टेक्नोलॉजी भी उतना कुछ खास डेवलप नहीं हो पाया है, गांव में काफ़ी रहते हैं। लैंड लॉक ज्योग्राफिकल लोकेशन, लैंड लॉक क्या है, चारों तरफ से ज़मीनों से घिरा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समुंदरी से अटैच नहीं है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते हैं। आपको पता होगा कि अर्थक्वेक आया था जिसने पूरा नेपाल को हिला के रख दिया था। कब आया था उसे बताइएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 230 डॉलर है, ठीक है, US डॉलर 2002-03-04 में, ठीक है, 240-260 हो जाता है। एंड एनुअल ग्रोथ रेट 1%, 3%, 4% रहा है, ठीक है, इसी पीरियड में। अगर हम कंट्री की बात करें तो 3.4% जो GDP है वो एजुकेशन पे 2000 में इन लोगों ने खर्च की अपनी। और यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो 44% थी 2003 में, ठीक है। तो 5 साल का इनका प्राइमरी लेवल होता है, 7 साल का इनका सेकेंडरी लेवल होता है। एंड रेशियो अगर बात करें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की, तो 119.3% है प्राइमरी लेवल पे और 45% है सेकेंडरी लेवल पे और 5.3% है हायर एजुकेशन में, काफ़ी कम है, ठीक है। टारगेट बनाया था कि एजुकेशन फॉर ऑल एक तरीके से अचीव करेंगे, जैसे भारत ने सर्व शिक्षा अभियान का बनाया था, तो इन लोगों ने कोशिश किया था कि अपने जो उनका 12वां 5 ईयर प्लान है उसके तहत जो जितने भी अनपढ़ लोग हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है उनको शिक्षा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो नेशनल लिटरेसी कैंपेन थी उसको जितनी इनकी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे
जहाँ पे जो भी लोकेशन पे कम शिक्षित लोग हैं वहाँ पे पहुँचेंगे ये। उसके बाद मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट, यानी उनकी ज़्यादा मेल्स पढ़ाई करते हैं कम फीमेल पढ़ाई करती हैं, वो रेट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जो औरतें डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनकी उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, उनको लाइक मोटिवेट करेंगे कि वो पढ़ाई करें। उसके बाद NGOs, INGOs, इन सबको डिफरेंट लेवल पे जो है उनको एक तरीके से नेशन का जो लिटरेसी रेट है, शिक्षा के रेट है, उसको बढ़ाने में कोशिश करेंगे, प्रोवाइड करेंगे बेसिक एजुकेशन और बहुत सारे प्रोग्राम, स्पेशल लिटरेसी क्लास भी रखेंगे। मतलब जो लोग जेल वगैरह में हैं चाहे इस टाइप का सिचुएशन है, तो उनके लिए भी प्रॉपर शिक्षा का एक सिस्टम बनाया जाएगा। और एजुकेशन इस तरीके का होगा, इस तरीके का एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा जहाँ पे जेंडर सेंसिटिविटी हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेल सेंट्रिक किताबें होती हैं, उससे हटा के इस तरीके का बनाया जाएगा कि एक दूसरे के प्रति पुरुष महिला में रिस्पेक्ट हो। पाकिस्तान की बात करें